दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एक बार चालक ने 10 से 15 मीटर तक घसीटा है और घटना दिल्ली एम्स के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर बताया कि कल देर रात वे दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तभी एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में उनसे छेड़छाड़ की और जब उन्होंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर चालक ने उसे घसीटा। मालीवाल ने आगे कहा कि भगवान ने जान बचाई, यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो हाल सोचिए क्या होगा। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है। स्वाति एम्स के गेट नंबर 2 के करीब थी और इस दौरान एक कार चालक ने उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा। स्वाति ने जब कार चालक को फटकारा तो उसने तुरंत कार का शीशा ऊपर कर लिया और इस दौरान स्वाति का हाथ कार में फंस गया और चालक उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीटता रहा। पुलिस के मुताबिक रात 3:11 पर एक PCR पर उन्हें कॉल आया और एम्स बस स्टॉप के पीछे सफेद रंग के बलेरो कार के चालक ने एक महिला को गलत इशारे किए और उन्हें घसीटा, लेकिन महिला बचने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग वाहन को देर रात 3:05 पर एम्स गेट नंबर 2 के सामने फुटपाथ पर एक महिला दिखी। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उससे कार से घसीटा गया है। महिला ने बताया कि नशे में एक बलेरो कार चालक उनसे पास रुका, उसने बुरी नीयत से महिला को कार में बैठने के लिए कहा। महिला के मना करने पर वो चला गया और सर्विस लेन से यू टर्न लेकर वापस आ गया। चालक ने एक बार फिर महिला को कार में बैठने के लिए कहा और महिला ने उसे फटकार लगाई। वो ड्राइवर साइड की खिड़की से पास पहुंची तो कार चालक ने तेजी से खिड़की का शीशा चढ़ा लिया। महिला का हाथ कार में फंस गया और वो 10 से 15 मीटर तक घसीटती चली गई। इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी जारी किया गया है। उस मैसेज में उन्होंने कहा है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए निकली थी कि दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है। फिर गाड़ी में बैठे एक शख्स ने मेरी तरफ गंदे इशारे किए, जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने खिड़की बंद कर दी और मेरा हाथ फंस गया। वो कई मीटर तक घसीटता रहा, मैं काफी लकी रही वरना मेरे साथ भी अंजलि जैसा कुछ हो जाता।